तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि डबल बॉटम स्ट्रेटजी वर्क कैसे करता है और किस तरीके से आप दोस्तों इससे 2-3 गुना ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, डब्ल्यू बनना जरूरी है। आपको यहाँ पे बता दूँ कि डब्ल्यू जब तक नहीं बनेगा तब तक आपका तो है यहाँ पर डबल बॉटम स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगा। तो देखो, सबसे पहले डब्ल्यू बॉटम बनने के लिए पहले वी बनना जरूरी है। वी जब बनेगा तभी तो यहाँ से इस तरीके से इसे डब्ल्यू बनेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि किस तरीके से मार्केट जो है यहाँ से फॉल होते होते यहाँ पे यहाँ तक आया और यहाँ से यहाँ गया। जैसे ही ऐसा आपको दोस्तों यहाँ पे मतलब कि मार्केट का जो कैंडल स्टिक पैटर्न दिखे तो वहीं पे आपको क्या करना है, एक दोस्तों हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है यहाँ पे आपको बना लेनी है। मतलब कि देखो वो हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे रहेगी, तो यहाँ पे मैं ब्रश पे जाता हूँ और वापस से आपको दिखा देता हूँ। देखो इस वाले के जो टॉप है ना, इस वाले के जो टॉप है वी जैसे बन के, जो वी का जो लास्ट वाला छोड़ उसका जैसे टॉप बना है, तो उसके ऊपर जैसे दोस्तों जैसे वहाँ पर क्लोज होकर वापस से मार्केट जो फॉल होना स्टार्ट होता है, तो वहीं पर जो है दोस्तों आपको जो है कि जो है ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर देना है। मतलब कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन को खींच देनी है जो कि आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब क्या करना है कि जो दोस्तों लो वाला पार्ट है ना, जैसे कि ये जो लो वाला पार्ट है यहाँ पे जो वी का जो लास्ट एकदम कोने वाला पार्ट है सबसे डाउन वाला, वहाँ पे भी आपको दोस्तों एक लाइन को एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना जो कि आपका ये जो है एक सपोर्ट का काम करेगा। तो फटाफट इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं और इसके बाद हम बताते हैं मतलब इसका ही हम जो है एक मिनट क्लोन निकाल लेते हैं एक यहाँ पे। और देखो ये प्लॉट हो चुका है हमारा। चलो वेरी गुड, यहाँ पे हमारा ये प्लॉट हो चुका है। अभी देखो सबसे पहले इसको हटा देता हूँ यहाँ से। हाँ तो गाइज़ यहाँ पे देखो कि हमारा जो W है, हमारा जो ये W है वो बन के जो है यहाँ पे दोस्तों धीरे धीरे तैयार हो रहा है। ठीक है, मतलब कि अब आपने यहाँ पे देखा, अब आपने यहाँ पे देखा कि दोस्तों ये ऐसा बना और ये यहाँ से ऊपर गया और ये वापस से यहाँ पे से नीचे आया। मतलब कि आपने देखा कि ये जो आपका जो सपोर्ट बनाया था उसको वापस से टच कर दिया। अगर इसको ब्रेक कर देता है, अगर ये दोस्तों यहाँ पे से ब्रेक हो जाता है, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। अगर दोस्तों इस जगह से ये ब्रेक हो जाता है, जैसे कि ये यहाँ से ब्रेक होकर ये बाहर आ जाता है, तो हमारा जो ये वाला दोस्तों, एक मिनट, यहाँ पे जो हमारा ये वाला दोस्तों ये बॉटम का हम लोग ने बनाया था, हमारा जो ये सपोर्ट था, इसको अगर ये ब्रेक कर चुका है तो आपको यहाँ पे दोस्तों जो पैसे नहीं डालने। मतलब कि हमारा डबल बॉटम स्ट्रेटजी यहाँ पर वर्क बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मेक श्योर रहना कि आपका वो टच हुआ या नहीं हुआ है। तो अभी फटाफट इसको मैं कट कर देता हूँ और थोड़ा सा ग्राफ को साइड साफ कर देता हूँ। तो अब गाइस यहाँ पर देखो कि अगर अब ब्रेक नहीं हुआ है तो क्या करना है आपको। ब्रेक नहीं हुआ तो मतलब कि सीधी सी बात है कि ये डब्ल्यू करके ये वापस ऊपर जाना चालू हुआ है, और जैसे ही दोस्तों ये ऊपर जाना चालू हुआ है तो मतलब कि आपका जो है डबल बॉटम टच हो चुका है, सपोर्ट को डबल बॉटम टच हो चुका है। इस टाइम पे, अगर इस टाइम पे दोस्तों, एक मिनट, इस टाइम पे जैसे ही एक कैंडल स्टिक दो एक कैंडल स्टिक बनता है, जैसे कि ऊपर जाने की साइड पर देखो, यहाँ पर मैं कलर को चेंज करके दिखाता हूँ। ये ऊपर जाने की साइड पे यहाँ पे एक कैंडल स्टिक जैसे बनता है और वापस से दूसरा कैंडल स्टिक बनता है, तो आपको एक कंफर्मेशन मिल जाती है और आप दोस्तों वहाँ पे जो इजीली को बाई कर सकते हो। जैसे ही आप वहाँ पे उसको बाई करोगे, आप वहाँ पे जैसे ही दोस्तों अपना कॉल साइड के ट्रेड को लोगे, तो आपका दोस्तों क्या होगा कि यहाँ पर इस आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा तो वो आपको दिखा दूँ। स्टॉप लॉस आपका दोस्तों छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है, वो एक इस वाले पोजिशन पर लगाना है। इस वाले पोजिशन पर आपको जो है छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है और आपका जो दोस्तों टारगेट रहेगा वो इस वाले पोजिशन पर रहेगा। इस वाले पोजीशन पे आपका टारगेट रहेगा, पहला टारगेट आपको यहाँ पे रखना है। उसके बाद जैसे इस टारगेट को ये हिट करता है, उसके बाद दोस्तों आगे वाले टारगेट पे रखना है। तो इस तरीके से जो डबल बॉटम स्ट्रेटजी वर्क करता है और आपको मैंने बना दिया। और उसके बाद दोस्तों देखो, अभी भी कंफर्मेशन नहीं मिला, अगर आपको दोस्तों इससे भी सेफ ट्रेडिंग करनी है ना, तो इससे भी सेफ ट्रेडिंग के लिए क्या करना है आपको कि ये वाला जो अपना रेजिस्टेंस बना है ना, इसको वेट करो कि ब्रेक कैसे होगा। जैसे ही इसको ब्रेक करता है तो इस वाले पार्ट पे देखो कि ये ब्रेक कर रहा था, लेकिन अगर यहाँ पे ज़्यादा ब्रेक नहीं हुआ तो यहाँ पे भी अगर आपने वेट कर लिया तो यहाँ पे देखो ये माइनस हुआ है, वापस से नीचे आया फिर वापस यहाँ से ऊपर गया। और जैसे इसको ब्रेक हुआ ना यहाँ पर दोस्तों, आपका जो ये एंट्री लेने का बहुत ही सही तरीका है, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू पहले हो चुका है, डबल बॉटम टच हो चुका है और डब्ल्यू बन चुका है। तो यहाँ पर इस वाले पोजिशन पर जो अच्छा खासा जो है आपका मौका है कि यहाँ पर आप एंट्री ले लो, और आपका जो टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ पर रहना चाहिए और सेकंड टारगेट जो है इस जगह पर रहना चाहिए। तो बस यही है, उसके बाद ट्रेलिंग तो हमेशा जरूरी है, ट्रेलिंग आपको करते रहना है। ठीक है, ट्रेलिंग अगर नहीं करोगे तो आप दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फंस जाओगे और आपका जो है लॉस ही होगा। तो ट्रेलिंग आपको करते रहना और डबल बॉटम स्ट्रेटजी जो इसी तरीके से वर्क करता है, और आप देख लो कि किस तरीके से यहाँ पर जो है मार्केट अचानक से जो है डबल बॉटम स्ट्रेटजी का जो यूज़ करके किस तरीके से डब्ल्यू बना के बुलाते हुए जो है एकदम ऊपर की जाने साइड जो है दाना तैयार हो चुका है। यहाँ पे दोस्तों ये बहुत ही ऊपर गया था, मैंने यहाँ पे जो है कि मेरे ग्राफ में पूरा कवर नहीं हो पाया।